फंक्शन का रेड कार्पेट नहीं है बल्कि संजय लीला भंसाले की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज हीरा मंडी की प्रीमियर नाइट है, जहां पहुंचे दो चार नहीं बल्कि बॉलीवुड के सभी दिग्गज सितारे। जी हाँ दोस्तों, जितने बड़े डायरेक्टर उतनी बड़ी सीरीज और उतने बड़े फिल्म में सितारे, और उससे भी ज्यादा बड़े सितारे पहुंचे प्रीमियर पर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। तो हम बात कर रहे हैं संजय लीला भंसाले की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज हीरा मंडी की। इंतजार अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वेब सीरीज की रिलीज डेट से पहले एक सुपर ग्रैंड प्रीमियर रखा गया और इस ग्रैंड प्रीमियर पर पहुंचे बॉलीवुड के वो सभी बड़े सितारे जो शायद उस समय मुंबई में मौजूद होंगे। तो कौन कौन शामिल हुआ यहाँ, चलिए थोड़ा सा झांक आते हैं यहाँ पर, आइए मेरे साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सलमान खान से। भंसाले की वेब सीरीज के प्रीमियर में सलमान खान ने एकदम हीरो वाली एंट्री ली और वहाँ पहुंचे ब्लैक शर्ट पहने और साथ में कार्टून वाली ट्राउजर। उसके बाद नंबर आया श्रीवल्ली गर्ल रश्मिका मंदाना का, जिनका लुक था एकदम सिंपल सोबर और एलिगेंट। वो नजर आई सी ग्रीन सूट में। यहाँ तक कि लेजेंडरी एक्ट्रेस रेखा को भी इस प्रीमियर पर देखा गया, जिन्होंने एज यूजुअल गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी पहनी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अनन्या पांडे को भी स्पॉट किया गया, जो दिखी रॉयल ब्लू सूट में। बालों में उन्होंने गजरा लगाया था और कानों में पहने थे ट्रेडिशनल इयररिंग्स। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सबकी नजरें उनकी तरफ जा टिकी। वेल, अनन्या के रूमर बॉयफ्रेंड आदित्य राय कपूर को भी यहाँ स्पॉट किया गया। आलिया ने अपने लुक से हीरा मंडी की स्क्रीनिंग की सारी लाइमलाइट अपने नाम कर ली थी। एक्ट्रेस ने व्हाइट कलर का शॉर्ट सूट पहना हुआ था, साथ में माथे पर छोटी सी व्हाइट स्टोन वाली बिंदी लगाई हुई थी। मिनिमम मेकअप और ज्वेलरी से आलिया ने अपना लुक कंप्लीट किया। वैसे आलिया के साथ उनकी माँ सोनी राजदान और सास नीतू कपूर भी दिखे। छोटे पर्दे से बड़े पर्दे का रुख करने वाली एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने भी हीरा मंडी की स्क्रीनिंग में शिरकत की। मृणाल ठाकुर व्हाइट साड़ी में दिखी, बालों को उन्होंने दिया था वेबी लुक। इसी दौरान एक्ट्रेस निकिता दत्ता ने पिंक कलर के लहंगे के साथ डीप वी नेक ब्लाउज पहना हुआ था। इस प्रीमियर पर मरून कलर के फुल स्लीव्स सूट में दिव्या खोसला कुमार भी दिखी, जिन्होंने अपने सिंपल लुक को एकदम लाइट मेकअप के साथ कंप्लीट किया था। वहीं मनारा चोपड़ा को भी इस प्रीमियर पर देखा गया, जिन्होंने सिंपल ब्लैक मैक्सी ड्रेस का सहारा लिया। यहां पर एली अब्राम को भी देखा गया, जो ग्लोन और मरून इंडो वेस्टर्न ड्रेस में नजर आई। पलक तिवारी को भी इनवाइट भेजा गया था, जिन्होंने फ्लोर लेंथ अनारकली सूट पहना हुआ था। करण जौहर भी अपने फैशन का जौहर दिखाते हुए दिखे, उन्होंने ब्लैक सूट विद व्हाइट शर्ट पहना हुआ था। शेखर सुमन भी सपरिवार यहां पहुंचे, उन्होंने तो क्रीम शेरवानी स्टाइल कुर्ता पहना था और अध्ययन सुमन गन मेटल वाले ग्रे कलर के कुर्ते और जैकेट में नजर आए। उप्स, अंकिता लोखंडे को कैसे भूल गए, वो भी थी यहां पर इनवाइटेड, उन्होंने फ्लोरल शिफॉन साड़ी में बिखेरा जलवा। और हीरा मंडी की स्टार कास्ट वो कहां गई, यही सोच रहे हैं ना? तो लीजिए आपकी ख्वाहिश सराखों पर, हीरा मंडी की पूरी टीम एक साथ आई। सोनाक्षी, अदिति, मनीषा, ऋचा चड्ढा सब एक साथ दिखे। जरा देखिए तो कितनी बड़ी स्टार कास्ट है इस सीरीज की। इतने सितारे हैं कि एक ही फ्रेम में फिट होना तक मुश्किल हो रहा है। खैर चलिए आगे
करते हैं और मिलते हैं सलमान की फेवरेट लुलिया बैतूर से, जो देखी ब्लैक साड़ी में जिस पर सिल्वर बॉर्डर बना हुआ था। साथ ही उन्होंने अपने इंडियन लुक को कंप्लीट किया गजरे के साथ। इस प्रीमियर में इतने लोग आए कि गिनना तक मुश्किल हो गया, लेकिन लिस्ट यहीं खत्म नहीं हुई। और भी बहुत से छोटे बड़े भूले बिसरे सितारे भी थे जो इस रेड कार्पेट पर नजर आए। वैसे आपको बता दें, ये फिल्म 1 मई को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।